And a very good morning everybody from Somoreri. हाँ जी, हमारी सुबह बहुत जल्दी हो गई थी आज 5 बजे. हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ देखा यहाँ से, बट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो मोमेंट मैं ऐसे बहुत ही से सोक इन कर रही थी. बट उसके बाद ये हुआ कि हम फिर से सो गए थोड़ी देर के लिए, एंड नाउ वी अगेन गॉट अप एंड गॉट रेडी. अभी हम लेक के पास जा रहे हैं फाइनली. सो फाइनली लेक देखेंगे एंड वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे. सो ये है प्लान, लेट्स गो. एंड आपको भी लेक दिखाते हैं क्योंकि हम कल थोड़ा लेक को दूर से देख रहे थे, आज हम लेक के करीब जा रहे हैं. छोटा सा हाइक जैसा है तो इसलिए कल हमने नहीं किया, कल शाम हो गई थी, इसलिए आज वी आर गोइंग. लेट्स गो. Look at the beauty. Somoreri, we are here. इसका नाम Somoreri कैसे पढ़ा होगा? बता की लैंग्वेज में इसका कोई मतलब होता होगा. हाँ, Somoreri का कुछ तो होता होगा. जी, हम लेक से वापस आ गए हैं और अब हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी. 9 बज गए, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे. ये स्टे काफ़ी अच्छा है, यहाँ का खाना रात को भी बहुत अच्छा था. हम ज़्यादा भूखे नहीं थे तो हमने थोड़ा थोड़ा खाया था. अभी ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे. लेट्स गो हैव सम ब्रेकफास्ट. हाँ जी, तो अब हम निकल रहे हैं ले के लिए और सबकी हालत थोड़ी सी आज टाइट है क्योंकि कल बहुत लंबी जर्नी आज फिर से, और कल रात को एक्चुअल में नींद नहीं आई मुझे और सागर को, तो हम थोड़ा हेडेक हो रहा है हमारा. तो हम ऑन आर वे बैक थोड़ा सोते सोते जाएंगे, तो आपसे अब ले पहुंच के बात करेंगे. हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले. हम वापस आ गए हैं. हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज. यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुई बिकॉज बहुत बारिश हुई थी, फिर फ्लैश फ्लड्स आए और लद्दाख में, और इस वजह से हमारा पहले प्लान था कि हम नुब्रा जाएंगे एक रात, नुब्रा और तुर्तुक, या फिर नुब्रा में रुकेंगे, देन विल गो टू पैंगोंग, वहाँ पर एक रात स्टे करेंगे एंड देन वापस आके शाम को नेक्स्ट डे सुबह की फ़्लाइट लेंगे. बट वो थोड़ा कैंसिल था बिकॉज ऑफ द वेदर. तो हम आज पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं लेह में. वैसे भी हमने लेह पैलेस वगैरह नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है पहले, बट फैमिली जो साथ में आई हुई है इन लोगों ने नहीं देखा हुआ है, तो आज वो घूमेंगे. और जहाँ पर हम रुके हुए थे, द अगरथा हाउस, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं एंड आपको लेकर चल रही हूँ, मतलब मैं खुद भी जा रही हूँ, द चॉप्सपा, यस चॉप्सपा होटल, वहाँ पर स्टे करने वाले हैं आज हम पूरा दिन. एंड इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी जो कि मैंने ऑनलाइन देखी, मुझे बहुत ही हमेशा से पसंद आती थी कि जब मैं ले आऊँ तो यहाँ पर रुकूँगी, तो आज हम वहीं पर स्टे करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द डे. और ये था हमारा रूम. मैं जब अकेले कहीं पर जाती हूँ, या मैं और सागर भी जाते हैं, तो हम इतना गंदा नहीं करते क्यों बॉब्स? ये तारिका, सब तारिका की वजह से है, ये सारा उसका पसारा है. देखो इधर भी हमारे तो बैग्स भी पैक है, उसका तो बैग भी अभी पैक नहीं हुआ है. चेक इन कर लिया है चॉप्सपा होटल में, और मैं आपको फटाफट से रूम दिखाती हूँ. इट्स अ वेरी नाइस एस्थेटिक रूम, द वे आई ऑलवेज वॉन्ट. जब भी हमारा घर बने ना, तो मेरे को साग को दोनों को ऐसा पसंद है, तो सिंपल येट वेरी नाइस एंड सारी अमेनिटीज हो. क्यों? यस, क्यों पति?
ऐसा ही है, ऐसा ही है क्यों पूरा एकदम बहुत सुंदर है। चलो आपको फटाफट से रूम टूर देते हैं। सो ये है एंट्री यहाँ से, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काउच है जिसमें पतिदेव कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। देयर इज़ अ बेंच, तो ये भी बड़ी सुंदर लग रही है। एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द रूम। सो यहाँ पर है साइड टेबल, दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल नाइस किंग साइज बेड। यहाँ पर भी साइड टेबल है, दिस इज अ हीटर, क्योंकि लद्दाख में ठंड कितनी ज़्यादा पड़ती है आप लोगों को पता है। एंड यहाँ से विंडो है जिसमें कि व्यू है बहुत ही अच्छा, माउंटेन व्यू। एंड देन देयर इज़ अ टीवी, कॉफ़ी टेबल, मतलब कॉफ़ी वॉफी बना सकते हो आप। एंड द मेन पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, देयर इज वॉशरूम। बहुत सारी नेचुरल लाइटिंग के साथ जो वॉशरूम होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या दिस इज वॉशरूम। एंड ये ना, ये ऐसी लैडर मैं अपने घर पे भी लेने वाली थी, इस तरीके की लैडर लेके वॉशरूम में रखने के लिए, बट इतना स्पेस नहीं होता है शहरों के घरों में, राइट। एंड देन देयर इज अ मिरर फुल लेंथ, और यहाँ पे लगेज रखने का स्पेस है जहाँ पर हमने ऑलरेडी अपना लगेज रख दिया है। एंड देयर इज अ लॉकर, आपका इंपॉर्टेंट पासपोर्ट वासपोर्ट आईडी वाईडी पैसे वैसे रखने हो यहाँ पे लॉकर में रख सकते हो। या दैट्स आवर रूम। जी जैसा ले कैसे लड़ते हैं, इतनी देर से खुद ही बोल रहे थे कि चलो चलो, सब उठ गए, चप्पल पहन ली सबने, अब तैयार होने लगी है। बस एक मिनट बचता है गाइस, चलो ये व्लॉग चलने देते हैं, विल सी, इट्स 15 सेकंड राइट नाउ, अब देखते हैं एक मिनट में निकलती है कि नहीं बाहर, लेट्स सी गाइस। कौन से लेक में फैशन वीक में जा रही हैं आप? लेह में कोई लेक में फैशन वीक हो रहा है क्या? ओह माय गॉड, वाओ, नाइस, लुक्स गुड, लुक्स गुड। लेट्स जस्ट क्लोज दिस वीडियो सेशन बिफोर आई गेट इनटू जनरल नॉलेज एंड स्टफ। आलिया भट्ट की बहन, आलिया भट्ट की बड़ी मम्मी। ओह शिट, आज कारगिल विजय दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कि कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, चल चल बस बस बस, अब व्लॉग सब बस बेटा, बहुत बड़ा के लिए। वी कम टू दिस प्लेस कॉल्ड दे खम्बीर, ये ले मार्केट के एकदम ले मार्केट में ही है। एंड मैं यहाँ पे दूसरी बारी आई हूँ, पहली बार जब आई थी मैं तब से मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ पे ऑर्गेनिक एकदम देसी लद्दाखी क्यूजीन आपको ट्राई करने को मिलेगा। इफ़ यू आर समवन हु लाइक, मतलब ट्राई टू लाइक टू ट्राई न्यू क्यूजीन, देन यू मस्ट कम हेयर। ये तीन गर्ल्स मिलकर चलाती है ये कैफ़े, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आई थी तो मैंने पूछा था। एंड द फूड हेयर इज रियली 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 डाई फॉर। हाँ जी एवरीबॉडी, तो हम लंच करके वापस होटल आ गए हैं, और यहाँ पर ये जो ऊपर का अच्छा है ना, वापस होटल बहुत अच्छा होटल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे लगता है जब एकदम एक्सट्रीम ठंड होती है तो इतना कोजी लगता होगा ना इसके अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी सी क्या है कि वेदर जो है दिन में जब धूप होती है ना तो लेह में बहुत ज़्यादा से गर्मी सी हो जाती है, बट आपको फिर भी गर्म, बहुत तेज़ होती, हाँ बहुत तेज़ होती, बहुत हार्श होती है स्पीति के जैसे। और जब दिन जैसे ही ढलेगा वैसे ऐसी ठंड लगने लग जाएगी, ऐसा लगेगा आप पहनो जैसे जैकेट वैकेट डाल लो बस ऊपर। बाकी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, यस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सब कुछ जानकारी देंगे। By the way, I'm glowing यार यहाँ आके, don't you think so? नहीं। पतियों को कभी भी अपनी बीवी की तारीफ, तारीफ नहीं कोई फर्क दिखेगा तो बोलेंगे ना, खत्म, बाय बाय।
होगा। चलो अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद शाम को हम जाने वाले थोड़ा सा घूमने फिरने लेह पैलेस। अभी धूप बहुत थी इसलिए नहीं गए। सो यहाँ पे हम एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में चाय पीने आए हैं। हर जगह चाय ढूंढ लेते हैं। वन चाय लवर, टू चाय लवर, बोथ आर चाय लवर्स। और हम बैठ के बस इन्हें निहार रहे हैं। सो हम ले पैलेस जा रहे हैं फाइनली, सुबह से प्रोकास्टिनेट करने के बाद फाइनली वी आर गोइंग। वॉक करते करते यहाँ से ले मार्केट से एक रास्ता है, लोगों से पूछते पूछते बस पहुँचने ही वाले हैं। सांसें चढ़ रही है। हाँ ये रास्ते से ही तो गए थे हम। दिस इज द वे, यस इस रास्ते से ही गई थी मैं भी। वाह तारी का देख इधर। जब बढ़िया टाइम पे आए ना मस्त सनसेट देखने को मिलेगा। शाम को थोड़ी देर ये रहा यस। हाँ जी नमस्कार। तो भी हम लोग लेह पैलेस में गए थे ऊपर, ये आपने शॉर्ट्स तो देख ही लिए होंगे। अब एकदम से मौसम बदल गया, हम लोग पिक्चर वगैरह ले रहे थे यहाँ पे, और भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी क्योंकि हम किसी ने भी धूप की वजह से रेन जैकेट अम्ब्रेला कुछ भी नहीं लिया था। तो फटाफट से भागते हैं, लेह मार्केट में शेड मिलेगा। चलो जल्दी चलो टू टाइम आई हेयर ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड चल रही है। बट हमने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स लिए है। Look at the sky, how dramatic it is. Jeera rice? Steam rice, normal. Steam rice, yes. Yeah. So guys, हम डिनर के लिए the very famous Neha's snacks आए हुए हैं। अपने फूड ऑर्डर किया है, आता है तो बताते हैं अच्छा है कि नहीं है, ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जगह हमारा पचका हो चुका ऑलरेडी। इसमें तू कढ़ाई में साइड में कढ़ाई बोल रहा हूँ मैं भी, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी एवरीबॉडी अ वेरी गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे एंड फाइनल डे। कल रात को हम मार्केट से आके खाना खा के आ गए थे तो सो गए बस डायरेक्टली। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया नीचे एंड बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। अभी बस हमारी कैब आ गई है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एंड इस बार की लद्दाख ट्रिप बहुत शॉर्ट थी, बट शॉर्ट एंड स्वीट नाइस। तो अगली बार लंबे समय के लिए आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो विद अनदर प्लेस। टिल देन टाटा बाय बाय नमस्ते।